Hi guys, this is GR. You are watching Market Hour, Job Helpful Friends. आप लोगों के लिए मैं हाजिर हूँ एक और अच्छी जॉब अपडेट के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री में। हमेशा की तरह आप लोगों के लिए हम लोग पहले भी फ्री जॉब ला रहे थे और प्रेजेंट टाइम में भी हम लोग आप लोगों के लिए फ्री जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी हमारी कंपनी आप लोगों को फ्री जॉब प्रोवाइड करती रहेगी। तो गाइस, रिक्वेस्ट आपसे एक छोटी सी की चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। पूरा देखने के बाद ही कुछ अगर डाउट्स है आपको जॉब के रिलेटेड में, काम के रिलेटेड में, तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग का टाइम हमेशा की तरह सुबह 10 बजे से लगाकर शाम के 5 बजे तक लास्ट रहता है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे हम लोगों से चैट कर सकते हैं शाम के 5 बजे से लगाकर रात के 10-11 बजे तक आपको 100% रिस्पॉन्स मिलता है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके मन में कुछ भी डाउट ना रहे। वीडियो को एंड तक देखें और हल्की सी रिक्वेस्ट और कि वीडियो पसंद आने पर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना कभी न भूले। आप चाहे जॉब कर रहे हैं या फिर आप हमारे कंपनी के थ्रू कहीं पे ऑलरेडी वर्किंग में हैं, तो भी आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में, उनको कुछ हेल्प मिलती है। तो गाइस, आज की जो बनने वाली है ना, वो जो बनने वाली है प्रमोशन के रिलेटेड में, प्रमोटर के रिलेटेड में। अब एक्चुअल ये थोड़ा फील्ड का काम रहता है, कुछ अलग हटके काम रहता है। इसमें बाइक जो है कंपलसरी रहती है, बाइक चाहिए ही चाहिए होती है। अच्छी खासी सैलरी मिलती है, अच्छा इंसेंटिव देखने को मिलता है, प्लस बहुत ही बड़ी रेपुटेड कंपनी है ये आज की जॉब वाली। एक्चुअल में ये जो जॉब है वो इनसाइड नहीं होके आउटसाइड फील्ड वर्क रहता है। ये काम रहता है परमिशन कोऑर्डिनेटर, ये पोस्ट होती है परमिशन कोऑर्डिनेटर की। परमिशन कोऑर्डिनेटर क्या होता है, उसकी सैलरी और टाइमिंग वो सब कैसा रहता है, तो एक्चुअल में ये परमिशन कोऑर्डिनेटर जो रहता है वो क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनी रहती है जो स्टोर के अंदर में या फिर कहीं हाइपरमार्केट में या फिर कहीं पर भी एक जगह बैठ के किसी चीज को, किसी ब्रांड को या किसी आइटम को प्रमोट करती है, उसका प्रमोशन करती है। वो एक काम सेम ऐसा ही होता है, ये होता है अपार्टमेंट के अंदर, बड़े बड़े फ्लैट के अंदर, बड़े बड़े बिल्डिंग्स रहती है वहां पे सेम प्रमोशन का काम रहता है। ये कंपनियां क्या करती है कि अपना प्रोडक्ट को जो है लॉन्च करने के बाद इन जगहों पे, इन प्लेस पे, इन मतलब छोटी छोटी जगहों पे जाके प्रमोशन करती है अपने प्रोडक्ट का, उसका मार्केटिंग करती है। तो आपको उन्हीं सब कंपनियों का एक काम है प्रमोशन कोऑर्डिनेटर का, जो ये बड़े बड़े फ्लैट्स रहते हैं, बिल्डिंग्स रहती हैं, अपार्टमेंट रहते हैं, वहाँ पे आपको विजिट करना रहेगा और वहाँ पे मेन इंचार्ज कौन है, वहाँ का सोसाइटी इंचार्ज कौन है, वहाँ का मैनेजर कौन है, वहाँ का साइड इंचार्ज कौन है, या फिर वहाँ पे जो है सोसाइटी की जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी का मेन हेड कौन है, उनका सिक्योरिटी गार्ड से नंबर लेना रहेगा आपको, मेन हेड से बात करनी रहेगी, बात करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना रहेगा और फिक्स करने के बाद सके हमारी कंपनी आपके अपार्टमेंट के अंदर एक्स वाई जेड कंपनी की एक एडवर्टाइजमेंट करेगी। 2-3 दिन जो भी कंपनी का क्राइटेरिया रहता है उसके हिसाब से आपको बात करनी रहेगी। तो सर, हमारी कंपनी आपके सोसाइटी में, आपके जो अपार्टमेंट के अंदर जो है एक स्टॉल लगा के कुछ एडवर्टाइजमेंट करेगी, वहाँ पे कुछ प्रमोशन करेगी, तो क्या है आपका अपार्टमेंट का रूल्स और रेगुलेशन वो हमें बताइए। तो उनसे बात करके उनका नंबर लेके एक डेट फिक्स होती है कि आने वाले 2 दिन के बाद हमारी कंपनी आपके यहाँ प्रमोशन करेगी। तो वो अगर ओके हो जाता है तो वो एक लीड हो जाता है। तो वो ऐसे ही लीड जनरेट करके उनका नंबर वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सब कुछ लेके वो कंपनी को देना रहेगा। बस हल्का सा काम रहता है, कुछ ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं रहता, लेकिन इसमें यह रहता कि फीडबैक लेना जरूरी रह जाता है। अब इसमें कई कई बार ऐसा होता है कि जो है रेजिडेंसी वाले जो रहते हैं, वो मैनेजर अगर, वो क्या रहते हैं कि सोसाइटी मेंबर्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि दूसरी जगह ड्यूटी कर रहे थे, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहता है, कोई कहीं पे जो है मतलब मैनेजर रहता है,
तो उनको टाइम शाम के टाइम में मिलता है, तो आप उनको शाम के टाइम मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, कंपनी का जो प्रोफाइल है प्रोफाइल शेयर करें, एक्स वाई जेड कंपनी से हूँ मैं, आपके जो अपार्टमेंट में एक्टिविटीज करना चाहते हैं, प्लीज आप जो है हम लोगों को परमिशन दीजिए, आपका क्या जो है रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है, हमारी कंपनी उसको अच्छे से फॉलोअप करेगी। बहुत सारे अपार्टमेंट्स देते हैं परमिशन, बहुत सारे देते हैं, तो आपका यही काम रहता है, फील्ड फील्ड में घूमना रहेगा, एक एक अपार्टमेंट जो है घूम के उनका परमिशन लेना रहेगा, परमिशन लेके लिस्ट बनानी रहेगी। जो कंपनी का जो है एक दिन में 3 अपार्टमेंट या 4 अपार्टमेंट या फिर 4 फ्लैट्स या फिर जो भी है, वो एक कंपनी का रूल्स रहता है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है कि 1 तारीख को 6 अपार्टमेंट फिक्स हुआ, 2 तारीख को फिर 3 अपार्टमेंट फिक्स हुआ, फिर 4 तारीख को 2 अपार्टमेंट फिक्स हुआ, उसके हिसाब से आपको लिस्ट बना के वो लिस्ट जो है कंपनी को देनी रहेगी। फील्ड के रिलेटेड में जो भी है इसमें जो सैलरी रहेगी वो 15 to 18 रहेगी, 15,000 से लगाकर 18,000 रहेगी, वो आपके एक्सपीरियंस पे फर्क पड़ेगा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। अगर आपने पहले फील्ड वर्क किया है, अगर आपने सेल्समैन का काम किया है, तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी इसमें पेट्रोल अनाउंसमेंट देती है, सुबह से लगाकर शाम तक अपना गाड़ी का पेट्रोल कितना खर्च हुआ है, वो जब आप पेट्रोल भरवाते हैं तो उसका एक बिल कंपनी को हैंडओवर करना रहेगा, वीकली या फिर 15 डेज के अंदर वो आपका पेमेंट करती है पेट्रोल का। तो 15 to 18,000 इसमें सैलरी रहेगी, पेट्रोल कन्वेंस कंपनी से अलग से दिया जाएगा। इसके अलावा ESIPF की फैसिलिटी इसमें देखने को मिलती है, प्लस इंसेंटिव भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो एक दिन का टारगेट या फिर एक दिन में जो 6 अपार्टमेंट रेडी करना है या फिर एक दिन में 3 अपार्टमेंट रेडी करना है, आपने जो है लिस्ट रेडी कर दी है 10 अपार्टमेंट की, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ESIPF मिलता है। बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब से, इसमें फीडबैक मेन रह जाता है कि फीडबैक लेना रहता है। कोई क्लाइंट बोलता है कि मुझे शाम को फोन करो, कोई बोलता है कि मुझे 2 दिन छोड़ के फोन करो, तो कोई बोलता है कि मुझे इवनिंग के टाइम या फिर दोपहर के टाइम मैसेज करो, हम लोग विचारेंगे सोचेंगे, तो बहुत सारा ऐसा जो है रहता है, उसका फीडबैक लेना जरूरी हो जाता है इस जॉब के लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट है। अब मैं लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज तो कोई भी चलेगी इसमें, हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु कोई भी चलेगी, होना चाहिए बस एक उसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, परमिशन कोऑर्डिनेटर, ये जाके परमिशन लेने वाला जो एक अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करे अपार्टमेंट वाले के साथ। काफ़ी काफ़ी मैनेजर, काफ़ी काफ़ी अपार्टमेंट्स वाले ऐसे भी होते हैं जो एक रईस से बात करते हैं, मतलब कभी मतलब गुस्सा, हम लोग अगर बार बार उसको फोन करेंगे उनको ना, तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, नहीं यार हम लोगों को नहीं करवाना ये सब एक्टिविटीज वगैरह, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए उस समय, थोड़ा सांत्वना से धैर्य से उनसे एक बार अगेन वापस पूछना चाहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऑलरेडी कहीं पर कर चल रहा है, करवाते हैं, और वैसे मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि वो ऑलरेडी करवाते हैं, मतलब एक ने कोई कंपनी जो है जाके उनके यहाँ प्रमोशन करती है उनके फ्लैट में, उनके अपार्टमेंट में, उनके बिल्डिंग में, और आपको ये सब पता है, तो वो इतना कुछ इग्नोर नहीं करते, जो परमिशन देने वाले रहते हैं वो मान जाते हैं, और उनका कुछ अमाउंट वगैरह या फिर कुछ रहता है वो कंपनी का, वो कंपनी को पे करती है। तो अच्छी जॉब है ये, लोकेशन ऑल ओवर बेंगलोर में रिक्वायरमेंट है, आपका लोकेशन कोई भी रहने दो, आपके नियर बाई में ही आपको जॉब मिलेगा। आपके पास बाइक होनी चाहिए, DL होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड, आधार कार्ड और 5 फोटो, इसके अलावा बैंक पासबुक आपके पास होनी चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस फील्ड वर्क में अगर है आपको सेल्स में या फिर सेल्स का, या फिर आपने फील्ड वर्क कोई भी किया हो जिसको एरिया का नॉलेज है, तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट की बात करूँ तो इसमें जो है स्टार्टिंग 18 से लगती है और मैक्सिमम मान के चलो 35 भी चलता है, 40 भी चलता है, एज में इसमें कुछ भी मैटर नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो गाइस जल्दी से अप्लाई करें, लिमिटेड पोस्टेड रहती है, हम लोगों के पास जॉब जो रहती है वो ज़्यादा टाइम नहीं चलती है। रीज़न ये रहता है कि हम लोगों का एक अच्छा बैकअप रहता है, हम लोगों का एक अच्छी टीम वर्क करती है जो फ्री जॉब देती है। हमेशा की तरह ये वीडियो आप शेयर जरूर करेंगे, आशा करता हूँ कि अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करना कभी ना भूलें। तो गाइस वीडियो एंड तक देखने के लिए अपना दिल से धन्यवाद।